आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक का यहाँ पर देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेगा, वो आपको फर्स्ट वाले ब्रैकेट में पहुंचा देगा ऊपर। तो कंटिन्यू क्या करता है, ऊपर वाले ब्रैकेट में पहुंचाता है, और ब्रेक जो है लास्ट वाले ब्रैकेट में पहुंचाता है। तो ये ब्रैकेट लास्ट वाले ब्रैकेट के बाहर पहुंचाया मतलब उस प्रोग्राम जो है वो उस लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और कंटिन्यू जो है ये इधर पहुंचाता है, तो उसका मतलब है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। वो एक स्टेप जो होना था यहाँ पर, जो एक स्टेप होना था उसको छोड़ देगा, यानी कि पांच को छोड़ दिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पांच को छोड़ दिया है, और फिर वो पांच को छोड़ के छह से फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो चलिए आइए इसको हम एक बार C++ की स्क्रीन पर करके देख लेते हैं, और काफी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। एक सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टर्बो C++ की स्क्रीन जो है आपको डिस्प्ले हो रही है, और हम लोग यहाँ पर अब कोड करेंगे अपना। ब्रेक और कंटिन्यू का कोड यहाँ पर सिंपल सा हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। जो हर बार हम करते आए हैं, और यहाँ पर हम अभी क्लास नहीं बनाते, सीधा मेन फंक्शन में इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जांपल ब्रेक कंटिन्यू वाला प्रॉपर एग्जांपल हमको देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने मेन फंक्शन में अभी कोई क्लास नहीं बनाई है। यहाँ पर हम सिंपल सा कोड लिख देते हैं एक लूप चलाने के लिए। आपको मैं एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा, C++ में आप यहीं पर भी ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कहीं पर भी हो सकता है, इस C++ की खासियत है ना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। मैं यहाँ पर लिखा 10, और ऐसा आप सी में नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने एक लूप लिखा, लूप में मैंने लिखा सी आउट एंडल और आई, अभी जो कोड हमने देखा उसको लिख दिया। सिंपल सा लूप है, 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करने वाला है। इसको रन करते हैं तो देखिए आपको आउटपुट में 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट होकर मिलेगी। अब हम यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक का एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ब्रेक का एग्जीक्यूशन यहाँ पर लिखते हैं हम, मैं लिखता हूँ कि 5 होने पर ब्रेक हो जाए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं आई इक्वल इक्वल 5, अगर आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक। आपको पता है कि किसी भी ब्लॉक में अगर एक लाइन का कोड है तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ऐसा कर्ली ब्रैकेट और ऐसा कर्ली ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में सिर्फ एक लाइन का कोड है तो आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको इंडेंट कर दीजिए, जो आगे की कई सारी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन वगैरह में आप देखेंगे कि इस तरीके से इंडेंटेशन से ही सारा काम होता है। क्लियर है, मैंने यहाँ लिख दिया कि आई की वैल्यू अगर 5 है तो ब्रेक कर दीजिए। तो आउटपुट क्या होगा देखते हैं, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी वो प्रोग्राम जो है इसके आगे का कोड रन नहीं होगा और सीधा लूप के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आउटपुट आएगा फिनिश। क्लियर है, तो देखते हैं यहाँ पर मैंने रन किया, देखिए 1 2 3 4 आया, और उसके बाद सीधा क्या हो गया, फिनिश हो गया, एंड सी आउट, ओके पूरा एंड पे चला गया क्या। पर अगर मैं ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू लिख देता हूं तब क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू लिख दिया। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही कीवर्ड्स हैं क्योंकि व्हाइट कलर से दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो आप देख पा रहे हैं कि सीरीज पूरी 10 तक चली है, और 10 तक चलने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 के बाद देखिए 5 गायब है, सीधा 6 आ गया, 7 8 9 10, यानी सीरीज पूरी कंप्लीट हुई। लेकिन जब ये 5 आया तो उस समय यहाँ से उठ के वो ऊपर वाले ब्रैकेट में चला गया, यानी कि 6 5 को ये प्रिंट नहीं किया, क्लियर है, 5 को यहाँ पर प्रिंट नहीं किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोबारा यहाँ पर जब मैंने 5 ये लिखा तो ये पूरा का पूरा जो है सीरीज प्रिंट हुई, लेकिन 5 का गैप यहाँ पर दे दिया गया। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, और ब्रेक लगाने पर क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। ये सेम इस तरीके से है जैसा हमने अभी स्क्रीन पर थोड़ा देर पहले देखा था। हमने अभी स्क्रीन पर देखा कि जब हम कंटिन्यू लगाएंगे तो 4 के बाद जो 5 को छोड़ेगा और रीस्टार्ट कर देगा, और जब ब्रेक लगाएंगे तो 4 के बाद वो क्या कर देगा, सीधा एंड कर देगा। यानी यहाँ पर ब्रेक लगा तो सीधा बाहर निकाल दिया, और कंटिन्यू लगा तो वो ऊपर पहुंचा के प्रोग्राम को उस स्टेप को छोड़ दिया, और सीधा रीस्टार्ट करके शुरू से फिर से एग्जीक्यूशन चालू कर दिया अगले स्टेप के लिए। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू। इसमें किसी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं गो टू स्टेटमेंट की। गो टू स्टेटमेंट लगभग सभी ने पढ़ा होगा। गो टू स्टेटमेंट आपने ब्रेक और कंटिन्यू के साथ पढ़ा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ब्रेक और कंटिन्यू नाम का जो स्टेटमेंट है वो होता ही नहीं है, एक्चुअल में गो टू स्टेटमेंट ही होता है। यानी ब्रेक और कंटिन्यू जो है वो गो टू के थ्रू ही बना होता है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पर कई लाइन का कोड है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे कोड हैं। तो आप याद रखिए कि इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल है, इसका एग्जीक्यूशन हमको समझना है, बिल्कुल ही सिंपल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो लाइन ऑफ कोड है ये लूप का कोड है, ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप वगैरह लिखा हुआ है। तो असल में लूप क्या काम करता है, जब भी हम कोई ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर लिख देता है, ये मान लीजिए लाइन नंबर 4 है, 5 6 7 8 9, 4 से 9 तक जो है वो लूप का कोड है। तो यहाँ पर 9 नंबर पे ना गो टू लिखा होगा, क्या लिखा होगा 9 नंबर पे, क्या लिखा रहता है, गो टू 4। यानी कि यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूशन करते रहते हैं तो लाइन नंबर 4 पे एग्जीक्यूशन होता है, 5 6 7 8 9 पे आता है, 9 के बाद फिर 10 पे नहीं आता, गो टू 4 वापस चला जाता है, फिर ये नीचे एग्जीक्यूट होता है, फिर 9 पे आता है, फिर 4 पे चला जाता है। तो लूप जो है वो गो टू से ही बना होता है, यहाँ पर आने के बाद फिर गो टू ऊपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गो टू को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा ब्रेक तो वो क्या होता है, गो टू अगली वाली जो ब्रैकेट है उस लाइन पर पहुंच जाता है। कंटिन्यू लिखा तो गो टू लाइन नंबर 4, अगर यहाँ पर मैं ब्रेक लिख दूं तो गो टू 9 हो जाएगा, और कंटिन्यू लिख दो तो गो टू 4 हो जाएगा। यानी कि ब्रेक और कंटिन्यू और लूप ये तीनों गो टू के पहले से व्यवस्थित किए गए स्टेटमेंट हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम लूप लिखते हैं तो जब कंपाइलेशन होता है तो लूप मिटा करके उसके जगह गो टू लिख दिया जाता है। पहले पहले की जो लैंग्वेजेस थी जिसमें लूप नहीं हुआ करते थे, तो वहां पर गो टू लिख लिख करके हमको लूप चलाना पड़ता था बार बार, गो टू लाइन नंबर, गो टू दिस लाइन नंबर, कंडीशन चेक करा करा के हमको लूप चलाना पड़ता था। तो सी में उसी को इम्प्लीमेंट किया गया कि लूप के लिए एक स्टेटमेंट बनाया गया और वो ऑटोमेटिक गो टू लिखता है अंदर में, ठीक है। तो गो टू ही वो स्टेटमेंट है जिससे लूप चलता है, जिससे ब्रांचिंग होती है। पहले पहले की लैंग्वेजेस में इफ एल्स भी नहीं हुआ करते थे। इफ एल्स करने के लिए क्या करते हैं, इफ एल्स में करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, और यहाँ पर जब कोई कंडीशन होती है, कंडीशन चेक होती है, तो फिर होता है गो टू दिस
अदरवाइज गो टू दिस, यहाँ पर जाओ या यहाँ पर जाओ। तो हम गो टू ना लिख करके हमको क्या करना होता है, इफ एल्स लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक गो टू करता है, लाइन नंबर अपने आप ले लेता है कि किस लाइन पर ब्रैकेट लगा है और वहां पर हमको गो टू कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि खुद से गो टू करूं, खुद से मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से प्रोग्राम जो है वो जाए किसी भी लाइन नंबर पे, तो मैं यहां पर कोड लिख सकता हूं उसका। मैं यहां पर लिखूंगा कि int a इक्वल टू 9, उसके बाद मैं लिखा गो टू लाइन 11, ठीक है, गो टू लाइन 11। यहाँ पर मैं लिखा सी आउट, कुछ भी लिखते रहूंगा यहाँ पर, मैंने हेलो लिखा, लेकिन ये सारे कोड को रन नहीं करेगा, सीधा यहाँ पर ये लाइन जैसी एग्जीक्यूट होगी, इसके बीच की सारी चीजों को छोड़ करके वो सीधा गो टू यानी जंप कर देगा लाइन नंबर 11 पर, ठीक है। और यही होता है इफ एल्स में कि यहाँ पर कंडीशन अलग दी रहती है तो इसको छोड़ता है और सीधा एल्स में जंप कर देता है। यहाँ पर सी प्लस प्लस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ लिखे रहते हैं तो वो सीधा क्या करता है, जंप कर देता है लाइन नंबर पर, कुछ ऐसा। अब मैं सी प्लस प्लस या इफ एल्स की बात करूं तो अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इन सभी चीज को वो छोड़ देता है और सीधा कहाँ जंप करता है, एल्स पर। तो एल्स पर जंप करने के लिए इंटरनली गो टू, या स्पेलिंग गलत हो गई है गो टू की, गो टू लिखना होता है। तो बार बार हमको गो टू न लिखना पड़े इसलिए इफ एल्स बना दिया, ब्रांचिंग स्टेटमेंट बना दिया गया है। असल में ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग, लूपिंग, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच केस, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू और फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, पूरा का पूरा जो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉलिंग है कि गो टू दिस फंक्शन, फिर रिटर्न होना, ये पूरा का पूरा गो टू से होता है। यानी कि गो टू ही वो चीज है जो प्रोग्राम पर फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, लेकिन गो टू में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो प्रोग्राम पूरी तरीके से क्रैश हो जाता था। एक भी जगह पर अगर आप गलत लाइन पर जंप कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गो टू 11, तो अभी तो लाइन नंबर 11 पर जंप कर रहा है, फिर 3 दिन बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन का कोड एड कर दिया तो ये जो लाइन 11 थी वो 12 हो गई। अब ये गो टू 11 करने पर ये इस लाइन पर जंप करने लगेगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब एक बार जब मैं गो टू लिख दे रहा हूं तो उसके बीच में जो लाइन है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर चेंज करूंगा तो ये वाली लाइन नंबर चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम में अपडेशन करना बहुत दिक्कत का काम होता था। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए ही ब्रांचिंग, लूपिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बनाया गया। फिर भी गो टू स्टेटमेंट को यहाँ पे रहने दिया गया, लेकिन आगे आने वाली सारी लैंग्वेजेस में गो टू को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, गो टू को यूज करने से मना किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। आपने इस कोड को कर दिया, फ्यूचर में एक लाइन अगर आप डिलीट कर देते हैं कोड से या एक लाइन ऐड कर देंगे तो वो लाइन नंबर जो है वो चेंज हो जाएगी और प्रोग्राम प्रॉब्लम करेगा, इसलिए गो टू स्टेटमेंट को जनरली यूज करने के लिए मना किया जाता है। फिर भी गो टू स्टेटमेंट का काम होता है, मैं आपको बता दूं कि आपके प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल को रैंडमली किसी भी लाइन पर वो जंप करता है जिस लाइन पर आप वहां पर देते हैं, लाइन नंबर देते हैं या फिर लेबल देते हैं, उस लेबल पर ढूंढेगा और वहां पर सीधा जंप कर देगा, बीच की सारी चीजों को वो छोड़ देगा। ऐसे स्टेटमेंट को गो टू कहा जाता है और गो टू से ही पूरा ब्रांचिंग, लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन का एग्जीक्यूशन, सारी चीज उसी से मेंटेन होती है। गो टू एक प्रकार का पॉइंटर होता है, पॉइंटर जैसा होता है, क्लियर है। ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट। लेकिन सी सी प्लस प्लस में गो टू करने के लिए हमको क्या करना होता है, गो टू लिख करके एक लेबल बनाना होता है और जहां पर भी उसको लेबल मिलेगा, लेबल मिला, लेबल बनाने के लिए लेबल लिख करके उसके आगे कोलन लिखना होता है। तो जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा
वो यहाँ पर जंप कर देगा, उसके बीच के सारी चीजों को छोड़ देगा। तो यहाँ पर लेबल बना करके और उस लेबल को दूसरे जगह डिफाइन करना होता है। लेबल को डिफाइन करने के लिए कोलन का सिंबल लगाना होता है। तो ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमने ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू आज देखा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।